Now let's check the next statement here. तो यहाँ पर भी you have three integers a, b और c. तो पहली स्टेटमेंट है a is equal to 032, यानी कि जो नंबर जो है वो यहाँ पर ऑक्टल है. तो ऑक्टल है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको ऐसे डेसिमल की वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करेंगे. तो यानी कि अगर आपके पास 032 है तो यानी कि 3 एंड दिस इज़ 2, तो यहाँ पर दिस इज सो वी हैव टू मेक इट 8^0 एंड दिस इज 8^1. तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 24+2 विच इज़ इक्वल टू 26. तो आपके पास 26 होगा. उसी तरीके से जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है ये हेक्साडेसिमल है, यानी कि 32 जो है वो हेक्साडेसिमल है. अगर आप सब कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 × 16^1 प्लस 2 × 16^0. दिस वैल्यू इज़ 48+2 इज इक्वल टू 50. तो इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी 50. फिर नेक्स्ट ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बाइनरी नंबर है. इस बाइनरी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ डेसिमल, राइट. तो अगर इसकी वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे, सो दिस वैल्यू इज़ आई थिंक इट इज़ 13. तो इसकी डेसिमल वैल्यू जो है वो यहाँ पर 13 होगी. तो अगर ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, दिस वैल्यू इज़ 26, दिस आउटपुट इज़ गोइंग टू बी 50 एंड दिस आउटपुट हेयर इज़ एक्चुअली 13. तो ये आपके पास आउटपुट यहाँ पर होगा. ओके, वाई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस थिंग्स इज बिकॉज कोड करने से पहले आपको समझ आना चाहिए कोड में हो क्या रहा है. प्रोग्राम स्टेटमेंट जो हमारे पास है या फिर जो आपके पास प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है तो प्रोग्राम बनाना बहुत ईजी होता है. तो पहला मेरा जो फोकस है वो आपको कॉन्सेप्ट बताना है. अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा तो ऑब्वियसली आप कोडिंग भी ईजिली कर पाओगे, ठीक है. तो ऑब्वियसली मैं अपकमिंग क्लासेस में बहुत सारे असाइनमेंट में भी आपको यहाँ से दूंगा, जिससे आपको चीज़ें यहाँ से आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ लेट्स सी दिस कॉन्सेप्ट. सो हियर इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 1+2. तो यानी कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज़ ए इंटीजर और इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो होगी 3. तो पहले हम स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे, system.out.println. जस्ट इग्नोर इट, system.out.println यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट को हम प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसका जो रिजल्ट है यहाँ पर, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3. तो यानी कि जो स्टेटमेंट जो यहाँ पर प्रिंट होगा, दैट इज़ 1+2 इज इक्वल टू 3. ये स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होगा. उसके अलावा इंटीजर ओरिजिनल रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट. तो यानी कि ओरिजिनल रिजल्ट एक और न्यू वेरिएबल है जहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू को हमने यहाँ पर डाला है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 3. फिर हमने क्या किया, ये एक न्यू वेरिएबल बन गया, दिस इज ओरिजिनल रिजल्ट, और उसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर 3 है. और इस स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर बना देंगे विच इज़ 2. तो यहाँ से -1 हो गया तो आपके पास 2 हो गया. उसके बाद दोबारा से हम स्टेटमेंट को यहाँ से प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओरिजिनल स्टेटमेंट. तो ओरिजिनल रिजल्ट की वैल्यू जो थी आपके पास वो 3 थी, उसके अंदर -1 है, इसके अंदर -1 हमने यहाँ पर यूज़ किया है, उसके बाद रिजल्ट करा है तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास 2. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट इज इक्वल टू रिजल्ट, यानी कि जो ओरिजिनल रिजल्ट है इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2, ठीक है, वो यहाँ से 2 हो जाएगी. फिर रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2. तो इसी वजह से जो रिजल्ट की वैल्यू अगर आपके पास 2 थी तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4. तो यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है. अगर आप थोड़ा क्लियरिटी नहीं है तो यहाँ से समझो कि दिस इज़ रिजल्ट एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर ओरिजिनल रिजल्ट, ठीक है. तो इस स्टेटमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, हमारे पास रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4. फिर हम स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे तो यहाँ से ओरिजिनल रिजल्ट की वैल्यू कितनी है वो होगी आपके पास दिस इज़ 2, तो वो होगा 2. इसके अंदर वी हैव मल्टीप्लाइड बाई 2 इसकी वजह से, और स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4. फिर ओरिजिनल स्टेटमेंट की हम रिजल्ट को हम ओरिजिनल रिजल्ट के अंदर डाल रहे हैं, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4, तो हो जाएगी 4. फिर रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डिवाइड बाई 2, तो यानी कि इसकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से आपके पास 2. फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ओरिजिनल रिजल्ट की वैल्यू जो है आपके पास वो है 4, तो यहाँ से 4 होगा बाई 2, यहाँ से बाई 2 है, और इसकी वजह से द वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज़ 2, ठीक है. फिर ओरिजिनल रिजल्ट यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास हो जाएगी 2. उसके बाद रिजल्ट प्लस 8, राइट. तो यानी कि रिजल्ट की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास हो जाएगी 10, राइट. बिकॉज क्या था, 2+8 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से 10 होता है. तो फ्रेंड हम
दोबारा से ओरिजिनल रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो दिस वैल्यू इज़ एक्चुअली 2 और यहाँ से आपके पास आएगा 8, तो ये जो रिज़ल्ट आपके पास है दिस इज़ 10। और फाइनली हम ओरिजिनल रिजल्ट की वैल्यू को हम लोग यहाँ से प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट की जो वैल्यू थी वो आपके पास 10 थी, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट मॉड 7, तो मॉड करेंगे तो अगर आपके पास 10 मॉड 7 आपके पास आएगा सो दिस वैल्यू इज़ एक्चुअली 3, तो यहाँ से 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 3, तो हम ओरिजिनल स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे दिस इज 10 और यहाँ से आपके पास आएगा दैट इज़ 3। सो दिस इज गोइंग टू बी आउटपुट, तो आउटपुट जो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यू कैन सी ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस स्टेटमेंट से, ठीक है, ये आपके पास जो आउटपुट है वो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3। फिर इस स्टेटमेंट की वजह से सेकेंड स्टेटमेंट तो वो होगा आपके पास विच इज़ 2। फिर इस स्टेटमेंट की वजह से दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4 और इस स्टेटमेंट की वजह से दिस वैल्यू इज़ 7, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2 एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट यहाँ से आपके पास होगा दैट इज़ 2 प्लस 8 इज़ 10 एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट आपके पास जो स्टेटमेंट होगी दैट इज़ 10 mod 7 is equal to 3. So this is going to be the output of this program. Okay. Now let us see the next statement here. तो यहाँ पर आपके पास एक इंटीजर रिजल्ट है, यानी कि रिजल्ट इज़ ए वेरिएबल और उसके अंदर एक वैल्यू हमने 1 को इसके अंदर यहाँ पर डाला है, यानी कि दिस इज़ द वेरिएबल विच इज़ रिजल्ट और इसकी वैल्यू होगी आपके पास 1। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने रिजल्ट वैल्यू को प्रिंट करना है तो उसकी वैल्यू आपके पास आएगा 1। उसके बाद रिजल्ट माइनस माइनस, यानी कि ये पोस्ट डिक्रीमेंटेशन है, दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंटेशन, राइट। तो यानी कि हम पहले इसकी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर 0। फिर दोबारा से हम इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ से प्रिंट करने की कोशिश करेंगे सो दिस वैल्यू इज़ एक्चुअली 0। फिर दोबारा से हम रिज़ल्ट प्लस प्लस, यानी कि ये पोस्ट इंक्रीमेंटेशन है, राइट, पोस्ट इंक्रीमेंटेशन, तो इसकी वैल्यू दोबारा से अब आपके पास आ जाएगी 1। फिर दोबारा से हम रिज़ल्ट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 1। फिर रिज़ल्ट जो भी आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है, हमने उस पॉजिटिव की जगह पर हम इसको नेगेटिव हम इसको बना देंगे, यानी कि रिज़ल्ट की वैल्यू अगर 1 थी तो ये हो जाएगी आपके पास माइनस 1। और बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट जब इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आपके पास होगा माइनस 1। फिर हमने एक बुलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है जिसका होगा फॉल्स और जब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे सो दैट मीन्स द आउटपुट इज़ गोइंग टू बी फॉल्स। और बिकॉज ऑफ दिस जब हमने नॉट ऑफ एस सक्सेस को हमने यूज़ किया है, यानी कि अगर आपके पास फॉल्स था फॉल्स का बन जाएगा आपके पास ट्रू, ठीक है। तो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यू कैन सी द कम्प्लीट आउटपुट हियर। तो पहली जो स्टेटमेंट थी दिस इज़ वैल्यू इज़ 1, इसकी वजह से दिस आउटपुट इज़ 0, दिस इज़ 1, इसकी वजह से माइनस 1, इसकी वजह से फॉल्स और इसकी वजह से आपके पास होगा ट्रू, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर। सो वी हैव इंटीजर आई इज़ इक्वल टू 3, तो हमने एक वेरिएबल को हमने बनाया आई, उसकी वैल्यू होगी आपके पास 3। फिर हमने आई प्लस प्लस, यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंटेशन वैल्यू हमने बनाया है, तो यानी कि इसकी वैल्यू होगी आपके पास 4। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे सो दिस स्टेटमेंट इज़ 4। फिर हमने प्लस प्लस आई, यानी कि पहले इसको प्री इंक्रीमेंटेशन हमने यहाँ से किया है, तो यानी कि इसकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 5। फिर दोबारा से हम इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से प्रिंट करेंगे तो दिस वैल्यू इज़ 5। ये जो है ये भी आपके पास प्री इंक्रीमेंटेशन है, तो यानी कि पहले इसकी वैल्यू को हमने 6 किया और यहाँ पर 6 प्रिंट होगा। इस स्टेटमेंट पे ये पोस्ट इंक्रीमेंटेशन है, यानी कि पहले इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ से प्रिंट करेंगे और फिर इसके वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 7। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। फिर हम आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो दिस स्टेटमेंट इज़ 7, तो आपका जो आउटपुट है दैट इज़ 4, 5, 6, 6 and 7। सो कैन सी द कंप्लीट आउटपुट, सो 4, 5, 6, 6 and 7।
Now let us see the next statement here. So we have a variable value is equal to 1. So value is equal to 2. So if value is equal to value 1 is equal to value 2, तो आप चेक करो क्या 1 is equal to 2, ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है तो हम इस if condition से हम बाहर जाएंगे, यानी कि ये statement यहाँ पर print नहीं होगा. Next, if value 1 is not equal to value of 2, यानी कि इन दोनों की value जो है वो यहाँ पर equal, same नहीं है. And this is true, वो true है, तो यानी कि ये statement जो है वो यहाँ से print होगा. Next, if value 1 is bigger than value number 2, तो ये correct नहीं है, क्योंकि value 1 की value 1 है, इसकी value 2 है, और ये false है, तो ये यहाँ पर execute नहीं होगा. उसके बाद क्या value 1 is less than value number 2, ये सही है, तो ये statement यहाँ पर print होगी. फिर if value 1 is less than or equal to value number 2, ये भी statement आपकी true है, तो यानी कि ये भी यहाँ पर execute होगा. तो ये पहली statement print होगा, then this is the second one. And this is the third one, right? These are the three statements जो यहाँ पर execute होने वाला है, okay? So you can see this output here. Now let us see the next statement here. Integer value is equal to 1. तो एक statement हमें use किया है, value 1 is equal to 1. ऐसे ही value number 2. तो दो हमारे पास variables हैं. If value 1 is equal to 1 and value 2 is equal to 2, okay? तो दिस स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली ट्रू, बोथ ऑफ देम आर ट्रू. तो बिकॉज ये दोनों ट्रू है, तो इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होगी. ओके, देन इफ वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 और वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1, तो चेक करोगे ये जो स्टेटमेंट है, दिस वन इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स, बट बिकॉज ये और स्टेटमेंट है, इसी वजह से स्टेटमेंट ट्रू होगी, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी प्रिंटेड, राइट? तो यानी कि जो दोनों सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेड, जो तीनों दोनों जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट होने वाला है. एंड यू कैन सी द आउटपुट हियर. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर. इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 1, वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2, इंटीजर रिजल्ट. तो रिजल्ट एक वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज़ किया है. बुलियन सम कंडीशन इज ट्रू, ठीक है? तो एक और बुलियन हमने यूज़ किया जिसकी वैल्यू है ट्रू. रिजल्ट इज इक्वल टू सम कंडीशन, तो सम कंडीशन की वैल्यू कितनी है, वो यहाँ पर ट्रू है. तो बिकॉज ये ट्रू है, तो हम लोग इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, और जो भी इसका आउटपुट है वो हम इस रिजल्ट के अंदर डालेंगे. यानी कि वैल्यू नंबर 1 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो इसी वजह से रिजल्ट की वैल्यू में निकलेगी यहाँ पर 1. ओके, फिर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन स्टेटमेंट को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे. सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली 1. तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो यहाँ पर 1 होगा. ओके, तो आउटपुट इज 1. नाउ लेट अस सी द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन जावा. सो यू कैन दिस कंप्लीट ऑपरेटर प्रेसिडेंस, बिकॉज इन प्रेसिडेंस के बेसिस पर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज कैन सी द हाइस्ट जो प्रायोरिटीज़, जो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस जो है, विच इज़ पोस्ट इंक्रीमेंटेशन. फिर आपके पास यूनरी है, फिर मल्टीप्लिकेटिव है, एडिशंस है, शिफ्ट है. तो यू कैन सी ऑल ऑफ दिस ऑपरेटर प्रेसिडेंस, और ये सभी जो है मैंने आपको सी लैंग्वेज में भी मैंने आपके साथ यहाँ से शेयर किया था. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स हैज़ द स्मॉलेस्ट रेंज इन जावा. तो सबसे छोटी रेंज कौन सी है? ऑप्शन नंबर इंटीजर, ये आपके पास 4 बाइट है, फ्लोट भी 4 बाइट है, बाइट 1 है, और डबल जो है वो आपके पास 8 है. तो सबसे छोटा कौन सा है? वो यहाँ पर सी है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. जो हमारे पास ह्यूमन हेयर है उसका जो डायमीटर होता है वो 14 माइक्रो मिलियंथ ऑफ मीटर हम लोग बोलते हैं, या फिर इसको माइक्रोमीटर हम लोग बोलते हैं. उसी तरीके से वो 17 से लेकर 181 के बीच में यहाँ पर रहता है, और जनरली हम इसकी वैल्यू को 75 यूज़ करते हैं. वो पूछना चाहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप वुड बी यूज टू सॉल्व द विड्थ ऑफ अ ह्यूमन हेयर्स. तो अब इसकी किसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? तो आई थिंक इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज़ इन टर्म्स ऑफ डबल. तो मैं यहाँ से डबल को मैं यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बाइट से तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इंटीजर से हम लोग चेक नहीं कर सकते. आइदर वी हैव फ्लोट और वी हैव डबल, और आई थिंक आई हैव टू चेक द नीड रेंज ऑफ
फ्लोट, बट आई थिंक फ्लोट से भी हो जाएगा, अगर फ्लोट से होता है तो वैसे डबल तो होगा ही होगा, तो बिगर सेट कौन सा होगा यहाँ पर, वो डबल ही होगा, तो मैंने डबल को ही मैं इसको आंसर में यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। बट आई थिंक स्पेसिफिक वैल्यूज़ को भी आप निकालना चाहते हैं तो दोनों की जो एक रेंज है आप इसको देख सकते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस सेशन वेरी बेनिफिशियल। यहाँ से हमें वी हैव फाइंड द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स एज वेल एज वी हैव प्रैक्टिस सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।